Hello everyone, this is Ishita Arora. Welcome or welcome back to my channel. तो आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा कि मेरा बैकग्राउंड आज चेंज हो चुका है. इट्स बिकॉज इस वीडियो में मैं चाहती थी कि नेचुरल लाइट आए मेरे फेस पे ताकि मैं प्रॉपरली आपको फेस शेव करके दिखा पाऊँ और हर चीज़ अच्छे से विजिबल हो. और फेस शेव करने के बाद मैं इसके डूज एंड डोंट शेयर करूंगी एंड क्या मेरा रूटीन रहता है इसके बाद. आई एम गोना शेयर एवरीथिंग. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फेस शेविंग के लिए फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज क्लीन योर फेस. तो किसी भी जेंटल क्लेंजर से यू कैन क्लीन योर फेस. एंड जब आपका फेस डैम्प हो उस पर आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगे. जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज़ करते हो या फिर एलोवेरा जेल विल ऑल्सो वर्क. तो आपको ऐसी कोई चीज़ लगा लेनी है अपने फेस पे. तो मैं अभी फेस वॉश करके आती हूँ एंड देन आई विल कंटिन्यू दिस टॉक. अभी फेस वॉश कर लिया. अब आप उसको हल्का सा ऐसे टैप 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 करके ड्राई कर लेना. ऐसे हल्का हल्का इसलिए करना ताकि हमारा फेस डैम्प रहे और डैम्प फेस पे मॉइस्चराइजर हमेशा बेटर वर्क करता है. सो दिस इज माई रेजर. एंड फेस शेव करने से पहले स्पेशली जब आप पूरा फेस शेव कर रहे हो तो मेक श्योर कि एकदम क्लीन रेजर यूज कर रहे हो. इट डजंट नेसेसरीली हैव टू बी अ न्यू वन बट मेक श्योर कि हर यूज के बाद आप उसे डिसइंफेक्ट कर लो अच्छे से. एज यू कैन सी यहाँ पर देयर इज अ लॉट ऑफ हेयर. सो लेट्स स्टार्ट. You just have to hold your blade at a 45 degree angle and उसको आपको downwards लेके आना है. जिस भी direction में आपकी hair growth है उस direction में आपको shave करना है. God, there was a lot. और हाँ, एक पैच के ऊपर लाइक अगर एक एरिया से आपने शेव कर लिया उसके ऊपर बार बार आपको ब्लेड नहीं लेके जाना है. ओवर एक्सफोलिएट हो जाएगा एंड दैट एरिया विल गेट सेंसिटिव. सो मेक श्योर कि आप बार बार ना करो. बी अ लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल ऑन ट्रिकी एरियाज लाइक दिस. इफ यू फील लाइक योर स्किन इज ड्राई मिड शेविंग डोंट हेजिटेट जस्ट यूज मॉइस्चराइजर अगेन. बिकॉज अभी मुझे फील हो रहा था कि स्किन इतना इतना स्मूथली ग्लाइड नहीं कर रहा है रेजर. सो इफ यू नीड टू यूज मॉइस्चराइजर अगेन डू इट. आई डोंट वांट टू रिमूव टू मच फ्रॉम हेयर बिकॉज बहुत वियर्ड लगता है जब रीग्रोथ आती है. तो मैं यहाँ से ज़्यादा रिमूव नहीं करूँगी. Stretch your face like this and then glide it downwards. मेक श्योर टू स्ट्रेच योर स्किन फ्रॉम वेयर एवर यू आर शेविंग. लाइक यहाँ पर मैंने अपने लिप्स ऐसे अंदर को प्रेस कर रखे हैं, एक स्ट्रेच डाला है लिप्स पे ताकि थोड़ा सा ब्लेड को ग्लाइड करने में आसानी हो. ओके, सो आई एम फाइनली डन विथ शेविंग एवरीथिंग. इसके बाद अब बस प्लेन वाटर से आपको रिंस कर लेना है ताकि जो भी हेयर लगे हुए हैं फेस पे वो हट जाए. सो नाउ आई हैव रिंस माई फेस विद वाटर. और अब इसके बाद कोई AHA, BHA, PHA एक्सफोलिएशन नहीं करनी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एक्सफोलिएटेड. लेट से आपके स्किन की एक लेयर निकल चुकी है. तो अभी 2-3 दिन तक डोंट इवन टच एनी एक्सफोलिएटिंग टोनर और सीरम्स और एनीथिंग. और ना ही कोई पील ऑफ मास्क. इसके बाद कुछ यूज़ करना है तो सिर्फ आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करो, मॉइस्चराइजर यूज़ करो, हाइड्रेटिंग इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करो. तो इसके बाद अब मैं अपना हाइलुरोनिक एसिड टोनर लगाऊंगी. इफ़ यू डोंट यूज़ हाइड्रेटिंग टोनर्स तो आप सीधा इसके ऊपर मॉइस्चराइजर या कोई हाइड्रेटिंग सीरम लगा सकते हो. I'm using this just to get a little more boost of hydration on my face. My skin literally feels so smooth, super smooth.
मॉइस्चराइजर अगेन. नाउ द थिंग विद फेस शेविंग इज, ये हेयर हटाने के लिए तो होता है ये फेस से, बट इट्स यूज फॉर एक्सफोलिएशन रीजंस टू. और हाँ, अगर फेस पर एक्टिव एक्ने हैं, डू नॉट शेव योर फेस. एज यू कैन सी, मेरे फेस पर फिलहाल कोई एक्टिव एक्ने नहीं है, तभी मैंने सोचा कि अब मैं शेव कर लेती हूँ, अदरवाइज इन्फेक्शन का डर रहता है. तो प्लीज़ एक्टिव एक्ने के साथ मत करना. कोई ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक और ये सब कुछ भी एक्सफोलिएंट नहीं यूज़ करना 3 दिन तक मिनिमम. कोई पील ऑफ मास्क मत यूज़ करना. एंड मेकअप एकदम डायरेक्टली मत करना, कुछ देर बाद रुक के करना है. एंड अगर आपको कहीं अर्जेंटली जाना ही है तो फेस शेव मत करो, या तो अडे प्रायोर उसको करके रख लो, उससे एकदम पहले नहीं करना. वॉट इफ कोई कट वगैरह लग जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना. तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप एकदम उस टाइम ना करो फेस शेव. और अगर जैसे कि मैंने एकदम अपना स्किन केयर कर लिया, यू कैन ऑल्सो यूज अ शीट मास्क, जिससे बहुत उसका जो सीरम होगा बहुत अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा. ऑनेस्टली मुझे लगाना था पर मेरे दिमाग से निकल गया. मैं लगाने वाली थी शीट मास्क, मैंने निकाल के नहीं रखा तो मुझे याद नहीं रहा. तो या अगर आप शीट मास्क यूज़ करोगे, दैट विल ऑल्सो बी रियली गुड फॉर योर स्किन. तो हाँ, एंड सनस्क्रीन तो ऑब्वियसली अगर आप फेस शेव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर, सनस्क्रीन तो लगानी ही है, बट इस टाइम पर स्पेशली लगानी है. सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट. बाय.